students and welcome to my channel. इस वीडियो में हम लोग differentiation का process समझेंगे and हम लोग ये भी जानेंगे कि उसे differentiation क्यों बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग focus करते हैं एक line के slope के ऊपर। जब हम लोग किसी line का slope निकालते हैं, basically हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस line के ऊपर कोई भी दो point choose करते हैं, चाहे वो कितना भी दूर या कितना भी पास हो। फिर उसके बाद हम लोग दो उस दोनों points के y values का difference measure करते हैं और उसको नाम देते हैं delta y, that is y2 minus y1. एंड उन्हीं दोनों पॉइंट्स के x के वैल्यूज का डिफरेंस भी हम लोग मेजर करते हैं और उसको नाम देते हैं डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1. और फिर हम लोग क्या करते हैं, स्लोप का डेफिनेशन है स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि जितना चेंज y में हुआ उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिवाइडेड बाय जितना चेंज x के बीच में हुआ उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में. इसका मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x अगर एक यूनिट बढ़ा तो y कितना यूनिट्स बढ़ेगा या घटेगा उसके रेस्पेक्ट में. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप. तो हम लोग जब स्लोप ऑफ अ लाइन निकालते हैं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, एंड उसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x या y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो लाइन का स्लोप निकालने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर चूज कर सकते हैं, चाहे कितना भी पास हो चाहे कितना भी दूर में. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग एक कर्व पे स्लोप निकालते हैं, बिकॉज एक कर्व में हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे y अलग अलग तरीके से चेंज करता है रिस्पेक्ट टू x. जैसे कि इस कर्व में जब x थोड़ा सा बढ़ रहा है y काफी रैपिडली फॉल कर रहा है पहले, उसके बाद जब x थोड़ा और बढ़ रहा है y थोड़ा स्लोली फॉल कर रहा है, उसके बाद जब x थोड़ा और बढ़ रहा है तो y धीरे धीरे बढ़ रहा है स्लोली बढ़ रहा है, उसके बाद जब x थोड़ा और बढ़ रहा है तो y काफी रैपिडली बढ़ जा रहा है. तो कर्व के अलग अलग पॉइंट पे ये पॉसिबल है कि y बिल्कुल अलग अलग तरीके से बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस कर्व के अलग अलग पॉइंट पे बिल्कुल अलग अलग रेट ऑफ चेंज हम लोग को मिलेगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं. तो पॉसिबल है कि कर्व के अलग अलग पॉइंट पे हमको बिल्कुल अलग अलग स्लोप. अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कर्व का स्लोप डिफाइन करते हैं एट अ सिंगल पॉइंट, यानी कि हम लोग पॉइंट स्पेसिफिक स्लोप निकालते हैं एक कर्व पे, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग स्लोप होता है. तो स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट अभी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जैसे एक लाइन पे हम लोग कोई भी दो पॉइंट चूज कर सकते हैं, अगर हम लोग कर्व पे कोई भी दो पॉइंट चूज करें लेकिन उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम कर देते हैं, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट्स चूज करके हम लोग कर्व का स्लोप नहीं निकाल सकते, बिकॉज उन दोनों पॉइंट्स के बीच में y काफी अलग अलग तरीके से चेंज कर चुका है विद रिस्पेक्ट टू x एट एवरी पॉइंट. तो हम लोग दो पॉइंट चूज करते हैं यहाँ पे, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कम करते जाते हैं. जब एक लाइन दो पॉइंट्स के थ्रू पास करता है तो उसको बोलते हैं सेकंड, और जब एक लाइन एक ही पॉइंट पे कर्व को टच करते हुए जाता है तो उसको बोलते हैं टैंजेंट. तो अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग बहुत छोटा करते जाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कर्व में सेकंड जो है वो अल्टीमेटली टैंजेंट ही बन जा रहा है, दैट मीन सेकंड जो है वो टैंजेंट में ही अप्रोक्सीमेट हो जा रहा है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमने इतना कम कर दिया कि अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत बहुत ज्यादा क्लोज है, जिसको हम लोग इनफिनिटेसिमली स्मॉल इंटरवल बोलते हैं. इतने ज्यादा क्लोज है दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कि ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट में वो अप्रोक्सीमेट हो जा रहे हैं, इसलिए जब उन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम लोग लाइन बना रहे हैं तो वो लाइन कर्व को ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है. तो अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट है कर्व पे, अगर हम लोग उसको देखें तो वो ऑलमोस्ट एक बहुत छोटे से लाइन सेगमेंट की तरह होगा, बिकॉज दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज है. इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, बिकॉज हम लोग कर्व को बहुत छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं. दो पॉइंट्स हम लोग ऐसा लेते हैं जो इतने ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से कि वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ एक लाइन सेगमेंट ही बना रहे हैं बहुत छोटा सा. तो हम लोग कर्व को बहुत छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालने के. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब कर्व को डिवाइड करना बहुत छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स. अब हम लोग अगर इस बहुत छोटे से लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्व करें तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है तो दोनों के बीच में y का जो चेंज होगा वो भी बहुत कम होगा, x का जो चेंज होगा वो भी बहुत छोटा होगा, एंड हम लोग उसको डेल्टा y और डेल्टा x की जगह dy एंड dx बुलाएंगे. इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इक्वल टू स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट. अगर हम लोग उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इतने ज्यादा क्लोज है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन बनाएंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे तो बेसिकली हम लोग कर्व के उस बहुत छोटे से पार्ट को ही उस बहुत छोटे से
राइट सेगमेंट को ही दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं एंड वो बन जाएगा टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स गिवन दैट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. अगर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा दैट मीन्स वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जा रहे हैं बिकॉज दोनों का एक्स का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जा रहा है. तो यही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दो पॉइंट इतने क्लोज रहते हैं कि दोनों के बीच में एक्स का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एंड दैट इज कॉल्ड dy by dx या derivative of y respect to x. अब हम इस concept को एक example के थ्रू verify करेंगे. यहाँ पे मैंने तीन जगह y equal to x cube का graph plot किया है और तीनों जगह हम x equal to 1 पे जो y equal to x cube यानी जो function है उसका rate of change या slope निकालेंगे. फिर उसके बाद हम dy by dx यानी ddx of x cube निकालेंगे at x equal to 1 उसका value हम calculate करेंगे और फिर हम match करेंगे कि rate of change या slope का जो value है at x equal to 1 वो DDS के वैल्यू के साथ मैच कर रहा है कि नहीं एट x इक्वल टू 1. इससे हम ये वेरीफाई कर पाएंगे कि जब हम लोग DDS करते हैं मतलब कि जब डिफरेंशिएट करते हैं तब बेसिकली हम लोग उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज या स्लोप ही निकाल रहे होते हैं एट दैट पॉइंट. चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है जैसे कि फर्स्ट वाले ग्राफ में मैंने x इक्वल टू 1 क्योंकि x इक्वल टू 1 पे हम रेट ऑफ चेंज या स्लोप निकाल रहे हैं. तो जैसा मैंने बोला था कि जिस पॉइंट पे हमको रेट ऑफ चेंज या स्लोप निकालना है फंक्शन का उससे एक बहुत ही छोटे इंटरवल पे हम एक और पॉइंट लेंगे फिर उसके बाद दोनों पॉइंट्स के बीच का y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों पॉइंट्स के बीच का x का डिफरेंस निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x. फर्स्ट वाले ग्राफ में मैंने 1 के साथ लिया है 1.1 तो 1 पे जो x क्यूब का वैल्यू है वो 1 ही होगा 1 क्यूब इज 1 एंड 1.1 पे जो फंक्शन है x क्यूब उसका वैल्यू होगा 1.1 का क्यूब दैट इज 1.331. अब यहां पे अगर हम डेल्टा y बाय डेल्टा x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा y यानी कि y का चेंज दैट मींस 1.331 माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाई x का चेंज यानी 1.1 माइनस 1 ये कैलकुलेट करके आ रहा है 3.31. दूसरे वाले ग्राफ में मैंने क्या किया है इंटरवल को और छोटा कर दिया है क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि बहुत छोटा इंटरवल जब हम लेंगे तब हम एक्चुअली डेरिवेटिव निकाल पाते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पे 1 के साथ मैंने लिया 1.01. अब 1 पे तो फंक्शन का वैल्यू 1 ही है एंड 1.01 पे फंक्शन का वैल्यू मतलब x क्यूब का वैल्यू है 1.01 का क्यूब That means 1.03030. फिर से यहाँ पे हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे That means change in y by change in x. तो y का जो दोनों वैल्यूज है उसका चेंज है 1.03031 माइनस 1 That means ये गैप डिवाइडेड बाई x का जो चेंज है That means this much part 1.01 माइनस 1. तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे हमारा रेट ऑफ चेंज या स्लोप आ रहा है 3.0301. हमने इंटरव्यू को थोड़ा और छोटा कर दिया दैट मींस इस बार 1 से हम और क्लोजर पॉइंट लेंगे. इस बार मैंने 1 के साथ लिया है 1.001 तो यहां पे अगेन 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1 ही है और 1.001 पे फंक्शन है दैट इज x क्यूब उसका वैल्यू आ रहा है 1.003003001. फिर से हम यहां पे डेल्टा y / डेल्टा x यानी कि y का गैप डिवाइडेड बाय x का गैप निकालेंगे. y का गैप होगा इन दोनों वैल्यूज का सबट्रैक्शन डिवाइडेड बाय x का गैप होगा इन दोनों वैल्यूज का सबट्रैक्शन और हमको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज या स्लोप मिल रहा है 3.003001. अब अगर हम यहाँ पे dy by dx का वैल्यू निकालें तो हमको करना पड़ेगा ddx of y का वैल्यू है x क्यूब जो कि अगर हम डिफरेंशिएशन के रूल्स के हिसाब से या फॉर्मूला के हिसाब से फॉलो करें तो हमको मिलेगा 3 × x^3 − 1 दैट मींस 3x² बिकॉज ddx of x^n होता है nx^n − 1. तो ddx of x क्यूब मिला हमको 3x². अब एट x इक्वल टू 1 Obviously, ये जो डेरिवेटिव है dy by dx इसका वैल्यू हो जाएगा 3 × 1² यानी कि 3 ही आएगा. हम लोग अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने डेल्टा x का वैल्यू छोटा किया दैट मींस डेल्टा x के वैल्यू को छोटा करते करते हम लोग 0 के जितना क्लोज ले जाएंगे. तो यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू था 0.1 यहाँ डेल्टा x का वैल्यू था 0.01 एंड यहाँ डेल्टा x का वैल्यू था 0.001. तो जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को छोटा करते जा रहे हैं देख रहे कि हमारा जो वैल्यू है रेट ऑफ चेंज या स्लोप का वो डेरिवेटिव से क्लोज आता जा रहा है. ये वैल्यू हम लोग को सबसे क्लोजेस्ट मिला है. अगर हम इंटरवल को और छोटा कर देंगे तो फिर हम लोग को डेरिवेटिव से और ज्यादा क्लोज वैल्यू मिलेगा दैट मींस एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब जैसे जैसे डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है
या जीरो की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू डीवाई बाई डीएक्स के साथ मैच कर रहा है। इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, इससे ये वेरीफाई होता है कि dy by dx is nothing but delta y by delta x as delta x tends to 0।